अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अली है, गिलगित-बल्तिस्तान से। मैं बिलोंग करता हूँ उस कस्बे से। तो हम सपोर्ट करते हैं सर, और हम 5 साल भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पेशल इसी में हाँ के पीछे हैं। आप कब से आए हुए हैं? सर मुझे 5 दिन हुए। उन्होंने कॉल किया हुआ था कि हम लास्ट जुमे को उन्होंने पहुँचना था, इसलिए हम आए हुए थे। पिछले हफ्ते से आए हुए, अभी तक वो आए नहीं है। तो आज उन्होंने ये सेटअप किया, हालांकि हम यहाँ होटल में रह रहे हैं सर। तो यहाँ पे आपने तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सारी दुनिया आपकी तरफ आ रही है, और आपका सकाफ़ती जो म्यूज़िक है, डांस है, यहाँ पे हो रहा है। तो कैसा टाइम गुजर रहा है यहाँ पे? सर टाइम तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। हमारे वहाँ तो बहुत सर्दी है, यहाँ तो चलो मौसम अच्छा है हमारे लिए ना, हमें सर्दी नहीं लग रही। तो देखें, अब हम इधर आए हुए हैं, इंजॉय करें रात को इस टाइम पर। सारे लोग यहाँ पर चादर जैकेट शैकेट पहना हुआ, हमें इतना महसूस नहीं हो रहा। तो देखें, आपने देखा होगा यहाँ जरा अपना टाइम पास करें, खान का इंतजार करें, वो आएँगे तो इंशाल्लाह उनके पीछे जाएंगे हम। कर्दू से वहाँ से काफ़िला आ रहा है? जी सर, इंशाल्लाह हमारे वो काफ़ी लोग हैं जो कि अभी कल तक पहुँच जाएंगे, अभी तो नहीं पहुँचे, कल इंशाल्लाह 2-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, खान से पहले पहुँच जाएंगे। तो कल क्या होने वाला है, कल क्या फ़ैसला होगा? सर जी देखें, जो खान कहता है वही हम करते हैं, अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, जो वो कहेंगे हम करने के तैयार हैं सर इंशाल्लाह। तो गवर्नमेंट की वो काम पे टांग रही हैं? गवर्नमेंट को तो बस गधे हैं सारे यार, मैं क्या बोलूँ इनको। कोई डाकू है तो कोई चोर है तो कोई लुटेरा है, बस खान है जो कि हमारा सच्चा लीडर है, हम उसको फॉलो करते हैं सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप इनके जज्बात देख रहे हैं जी, गिलगित वालों के स्पेशली। यहाँ पे हम हैरान रह गए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से कैंप लगे हुए हैं। जो यहाँ पे जज्बात हैं गिलगित वालों के, वो आप आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के कैंप में हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला है और सही शुगर लगाया हुआ है। तो इनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान जी। आपका कैसे आपका कैंप जा रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं, खान के लिए आए हुए हैं गिलगित से, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आपका काफिला ये कब पहुँचे? ये सुबह तकरीबन 5-6 बजे तक पहुँच जाएगा। 20-25 हज़ार की तादाद में काफिला आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान से। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ये तो पहले पहुँचे, खान के कारकुन ये अपने मदद अपने वसाइल के तहत बहुत पहले पहुँच चुके हैं। तो बाकी जो काफिले आ रहे हैं वो इंशाल्लाह सुबह 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा? कल इंशाल्लाह बहुत एक अच्छा सरप्राइज़ देंगे हम PDM वालों को, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आगे कल अहमल खान साहब तय करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इनको बाद में पता चलेगा खान की स्ट्रेटजी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप कहाँ से जी? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान से। तो कैसा आपका ये कैंप लगा हुआ है, और आपने अपने मेहमानों के लिए आपने मेहमान नवाजी करनी है, तो आपका काफिला चला हुआ है वहाँ से? जी हम स्पेशल इस इमरान टाइगर फोर्स के हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक है। तो हमारी जो CM की क़यादत में जो टीम आ रही है वहाँ से टाइगरों की, उनके रिसेप्शन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और ये शोबल आप देख रहे हैं पीछे? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त गाना बजाना चल रहा है, और आपकी सकाफत में तो एक स्पेशल डांस होता है, वो भी यहाँ पे। और हमारी जो कल्चरल यहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं उसको भी यहाँ हम देख रहे हैं। आप कितना वलवला है इस कौम के अंदर, कितना जज्बा है। हम अपने लीडर के लिए यही जज्बा रखते हैं। इंशाल्लाह कल सरप्राइज़ वाला दिन है, और इंशाल्लाह हम उसका खान साहब का कल इस्तकबाल आप जोश खरोश से करेंगे, करे से टाइगर की तरह ही करेंगे। जिस तरह इमरान पूरे पाकिस्तान का टाइगर है, इसे ये टाइगर इसका टाइगरों वाला इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे नौजवान नस्ल जो है, इन्होंने गाना बजाना और बहुत ही इन्होंने इंजॉय कर रहे हैं कल आने वाले जो आज़ादी लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है।